ट्रांसपोर्ट भिजवा देते हैं, उसको अच्छे से पैक करके इस तरह का जो है बंडल बनता है। इस वाला भी आएगा, 40 वाला भी आएगा, 50 वाला भी आएगा, 30 वाले का जो पार है, तो आपको किस तरह से ऑर्डर करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। देख लीजिए, ये 100 पीस का गड्डी है, ये एक गड्डी, ये 100 पीस का जो है ये गड्डी है। यहाँ हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे किस तरह से आप लोग जो है फैक्ट्री से कॉपी उठा करके अपने यहाँ ले जा करके घर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। नोटबुक होलसेल बिजनेस का सभी दुकान है, तो आपको किस तरह से ऑर्डर करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सा फोन आता है जो पूछते हैं कि भैया किस तरह से हमें ऑर्डर करना होगा। 5 रुपए वाला कॉपी है जो कि 100 पीस का गड्डी आता है, हिंदी का अलग आता है, अंग्रेजी का अलग आता है, प्लेन का अलग आता है, स्क्वायर का अलग आता है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश का है, यहाँ स्क्वायर का है, और उस तरफ जो है ना हिंदी है, प्लेन है। तो ये हो गया 5 रुपए वाला कॉपी जो कि 100 पीस का गड्डी है। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि ये 10 रुपए वाला कॉपी है, ये भी कटिंग हो रहा है, और जो कटिंग होकर रखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ये 100 पीस का गड्डी है, ये एक गड्डी, ये 100 पीस का जो है ये गड्डी है। यहाँ देखा ना सदाम, यहाँ ये 100 पीस का ये गड्डी है, इसका भी अलग अलग आप लोगों को आएगा, हिंदी अंग्रेजी प्लेन स्क्वायर 3-in-1, इसमें 3-in-1 भी आएगा। इसका अगर चाहे आप लोग इस तरह का स्कूल मेट कवर में लेने का तो स्कूल मेट कवर भी मिल जाएगा, देखिए इस तरह का स्कूल मेट कवर में भी आप लोग को मिल जाएगा, और इस तरह का पिक्चर कवर में भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कम से कम गड्डी दे पाएंगे, एक एक गड्डी का ही हिसाब रहेगा, सभी में एक एक गड्डी का ही हिसाब रहेगा कम से कम में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 20 रुपए वाला कॉपी में, देखिए 20 रुपए वाला कॉपी जो है, देखिए 20 रुपए वाला कॉपी जो है यहाँ देखिए इस तरफ लगा हुआ है स्कूल मेटा कॉपी, ये देखिए 20 रुपए वाला स्कूल मेटा कॉपी, जो कि आप लोगों को यहाँ जो है ये 13 रुपया पड़ेगा, 7 रुपया पर कॉपी पे प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। और वो जो 5 वाला कॉपी जो दिखाए आप लोग को वो पड़ेगा 2.60 रुपए का, उसमें 2.40 रुपए पर कॉपी पे प्रॉफिट होगा आप लोगों को। और 10 वाला जो कॉपी है उसमें 2 तरह का कॉपी है, एक 5.10 रुपया है जिसमें आपको 4.90 रुपया प्रॉफिट होगा, और दूसरा जो है पिक्चर कॉपी है, पिक्चर कॉपी है वो आपको बी ग्रेड में है तो वो 5.80 रुपया पड़ेगा, जिसमें आपको 4.20 रुपया पर कॉपी पे प्रॉफिट होगा। उसी में जो है जैसे ये 20 वाला स्कूल मेट हो गया ना, इसी के बाद आता है 30 वाला स्कूल मेट, देखिए ये 30 रुपए वाला स्कूल मेट कॉपी है ए ग्रेड में, है ना, जो कि आप लोग को 22 रुपए यहाँ पड़ेगा पर कॉपी पे, 8 रुपए का प्रॉफिट है। चाहे तो इसको आप लोग जो है 35 में भी सेल कर सकते हैं, स्कूलों में कॉपी जो है यही कॉपी जाता है, इसी पर जो है ना नाम दे करके हम लोग स्कूल में ही सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो स्कूलों में यही कॉपी जाता है क्योंकि मोटा है और अच्छा कॉपी है ये। फिर इसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए ऊपर में जो है रजिस्टर है, स्पायर रजिस्टर है, A4 रजिस्टर है, ठीक है। फिर इसका जो है आप लोग को रफ कॉपी भी आएगा, 20 से लेके 50 तक का रफ कॉपी भी आएगा, जो कि 20 वाला कॉपी जो पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे खुदरा है क्या, सी ग्रेड में है, 120 पेज में, देखिए है ना, ये बड़े साइज में है, 120 पेज में है, जो कि आप लोगों को यहाँ पड़ेगा, ये 20 वाला कॉपी है आप लोग को यहाँ पड़ेगा 13.5 रुपया, 13.5 रुपया फैक्ट्री रेट पड़ेगा। इसका जो है गड्डी 50 पीस गड्डी, इसमें हिंदी और सादा आएगा, हिंदी और पूरा प्लेन, ये हिंदी हो गया और इसका पूरा प्लेन आएगा, ठीक है। इसी में जो है आप लोग को इससे ज्यादा पेज में 30 वाला भी आएगा, 40 वाला भी आएगा, 50 वाला भी आएगा, 30 वाले का जो ट्रांसपोर्ट भिजवा देते हैं, उसको अच्छे से पैक करके इस तरह का जो है बंडल बनता है, गड्डी है वो 30 पीस का है, और 40 वाले का जो गड्डी है वो आपको 20 पीस का है, 50 वाला जो कॉपी है जो सबसे मोटा कॉपी होता है लगभग 400 पेज है उसमें, तो वो आएगा 15 पीस का गड्डी आएगा। तो इसी तरह से गड्डी बाय गड्डी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लगभग जो है मिनिमम कम से कम में जो है कॉपी आप लोगों को जो ऑर्डर करना है 12 से 13 हजार रुपए का कॉपी ऑर्डर करना है, इससे कम में जो है आप लोगों को हम लोग कॉपी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है लगभग 2 बोरी का जो है ट्रांसपोर्टिंग लगता है। कोई भाई लोग कहते हैं कि हमको 8 हजार का दे दीजिए कॉपी, 10 हजार का दे दीजिए, तो वो क्या होगा कि 12-13 हजार का तो हम लोग जो माल भेजते हैं ना, तो उसमें पूरा ट्रांसपोर्टिंग उतना ही लगता है, और 10 हजार 8 हजार के माल में भी ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा आप लोग का उतना ही लगेगा। तो इसीलिए 12-13-14 हजार का जो है आप लोग ऑर्डर करें कम से कम में, जो कि हम लोगों को भी देने में बने और आप लोगों को भी जो है भाड़ा ज्यादा न लगे, ठीक है। हमारा जो कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो वीडियो को आप लोग देखिए, उसमें पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से आप लोग ऑर्डर अपना कर सकते हैं जो हिसाब अभी आप लोगों को बताया है। और ये जो मेरा एड्रेस है दोस्तों,
ये मेरा एड्रेस है, ब्रह्मपुरा किला बांध वार्ड नंबर 4 मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, ये फैक्ट्री मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो आप लोग आराम से रेलवे स्टेशन आकर के या बस स्टैंड आकर के हमें कॉल कीजिएगा, हम वहां से आपको लोग को लोकेशन बता देंगे, आप लोग बड़े ही आराम से आ जाइएगा। कोई दूर नहीं है, बहुत सब पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर के ही दूरी पे है। दोस्तों जैसा कि आप लोग ऑर्डर करते हैं जब, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के कॉपी को, ठीक है, ये सब जो कॉपी है ना, ये सब कॉपी को जो है ना एक बोरा में डाल के इस तरह का जो गड्डी बांधा रहता है, इस तरह का जो गड्डी बांधा रहता है, तो एक बोरा में 8 से 10 गड्डी कॉपी आता है। मतलब ऐसा 8 से 10 गड्डी कॉपी आएगा, उसको एक बोरी में डाल करके और बोरा में बंडल बना करके और इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भेज देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जिसका जैसा दूरी है उस हिसाब से उसको अपना टाइम पे उस हिसाब से उसको मिल जाता है। हाँ, भले ही कभी ट्रांसपोर्ट में कभी दो तीन दिन का भी लेट हो जाता है किसी वजह से, कि वो ट्रांसपोर्ट वाले का जो है वो जब तक वो गाड़ी भरता नहीं है ना, वो गाड़ी निकालता नहीं है, उसी बीच में जो है कभी कभी देर हो जाता है। तो वो तो दोस्तों जैसे है ना, मेरा कोई काम नहीं है उसमें, ट्रांसपोर्ट में हम दे दिए, बुक करवा दिए, आपको एक तरह बिल्टी देंगे, वो आपका प्रूफ होगी कि वो माल आपको वहाँ तक जो है अपने दूसरे ट्रांसपोर्ट गोडाउन तक जो है वो पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है ना हड़बड़ा जाते हैं कि है भाई मेरा माल अभी तक नहीं आया नहीं आया, तो दोस्तों माल सबको मिलता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी 2-3 दिन टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा कभी 2-3 दिन टाइम लग जाता है। ऐसे 2-3 दिन में सभी लोगों को माल मिल जाता है ट्रांसपोर्ट के जरिए, और कोई अगर पास में है 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे है तो उन्हें तो एक दिन में ही माल मिल जाता है। आज जैसे ऑर्डर अगला करते हैं, आप कल उनके यहाँ माल उनको पहुँच जाता है, उनके शहर के ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जो है मतलब ट्रांसपोर्टिंग भी होता है।